कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18 अप्रैल को एक कांग्रेस की एक 11 सदस्यीय कंसल्टेटिव कमेटी के गठन का ऐलान किया। ये कमेटी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया है और इस कमेटी का मैंडेट ये था कि कोरोना वायरस को लेकर जो देश में परिस्थिति बन रही है उसके ऊपर कांग्रेस की ये परामर्श समिति रायशुमारी करेगी और उसके बाद अपने सुझाव सरकार को देगी। आज इस कंसल्टेटिव कमेटी की पहली बैठक हुई जिसके 11 सदस्यों में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल सहित सभी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को कांग्रेस पार्टी ये सुझाव देती है कि सरकार तुरंत जनधन खातों में 7,500 रुपये ट्रांसफ़र करे ताकि लोगों को कोरोना वायरस के इस दौर में एक आर्थिक मदद मिल सके। साथ ही सरकार से इस बात की भी मांग की गई कि बुजुर्ग पेंशन, विकलांगों और विधवा पेंशन को भी 7,500 रुपये उस अकाउंट में भी सरकार तुरंत ट्रांसफर करे। पहली बात, हमारी चर्चा जो हुई एमएसएमई पर काफी विस्तार से बातचीत हुई कि जो लघु क्षेत्र है, जो मध्य क्षेत्र है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जिसमें हमारे देश के ज़्यादातर रोजगार है एमएसएमई सेक्टर में, इनकी क्या कठिनाइयां हैं, इनको क्या राहत और मिलनी चाहिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ओर से और ख़ास तौर से केंद्र सरकार की वित्तीय संस्था की ओर से। इसके आधार पर हम एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही अगले एक दो दिन में केंद्र सरकार को हम यह सौंपेंगे कि एमएसएमई क्षेत्र पर और केंद्र सरकार की ओर से और क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार को भी इसमें भूमिका है पर प्राथमिक भूमिका जो है केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं की ओर से है। तो इस पर चर्चा के आधार पर हम एक दस्तावेज पेश करेंगे और एक दो दिन में हम इसको केंद्र सरकार को सौंपेंगे। दूसरी जो बात हुई, दूसरे विषय पर जो बात हुई, गेहूं, सरसों और चना की खरीद जो हो रही है, प्रोक्योरमेंट जो है वीट का, सरसों का और चना का, इस प्रोक्योरमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो तकलीफ हमें देखने को मिल रहा है उससे हम कैसा सामना करें और प्रोक्योरमेंट सही तरीके से हो, इस पर भी सभी सदस्यों ने अपनी राय दी और इस विषय पर भी अगले एक दो दिन में, जैसा कि मैंने कहा, एमएसएमई के रिपोर्ट के साथ साथ प्रोक्योरमेंट के बारे में भी हमारे सिफारिशें हम केंद्र सरकार को सौंपेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने बार बार कहा है और आज भी उन्होंने ये दोहराया है कि हमें एक रचनात्मक तरीके से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारी आलोचनाएं हैं, कई विषयों पर हमारी राय अलग है, पर इस गंभीर स्थिति में रचनात्मक सहयोग देना कांग्रेस का एक नीति है और उन्होंने आज यह फिर दोहराया है कि जो कुछ हम करें हम एक रचनात्मक मानसिकता से करें। आज की बैठक में इस बात पे भी फैसला हुआ कि सरकार को एक सुझाव के तौर पे ये दिया जाए कि जो प्रोक्योरमेंट है अनाजों का उसको किस तरह से सहूलियत उसमें दी जाए, किस तरह से जो किसान हैं जिनकी फसलें कटी हैं और कटने जा रही हैं उसमें किस तरह से उनके अनाजों की डोर स्टेप पे प्रोक्योरमेंट हो सके, इस तरह के सुझाव कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सरकार को देगी। आज की बैठक में ये भी फैसला हुआ कि अगले कुछ दिनों में लगातार 2 दिनों के अंतराल पे ये कांग्रेस की कंसल्टेटिव कमेटी बैठेगी और अपने सुझाव लगातार सरकार को इस संकट की घड़ी में देती रहेगी। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।